में कई राज है। घटना इतनी ऐसी घटना थी, दुखद घटना थी कि मैंने अपने प्रोग्राम कैंसिल करके गया। मैं जयपुर और उदयपुर गया, उनके घर पे गया। और ये जितने नेता हैं बीजेपी के, इनको मालूम है घटना हो गई है। उसके बाद में ये लोग हैदराबाद गए, नेता प्रतिपक्ष थे कटारे शख्स में, उप नेता थे, ये आज है नेता प्रतिपक्ष, सब लोग गए हैदराबाद गए लोग प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि अधिवेशन था वहां पर। और दूसरी बात है, 2-3 घंटे में पकड़े जाना मुजरिमों का, और उसी रात को NIA ने केस ले लिया। तो हमने कोई एतराज नहीं किया। अब NIA क्या करे अभी तो किसी को मालूम नहीं है। मुझे लगता है लंबा खींच रहे जानबूझ कर, जिससे कि चुनाव आएंगे, इश्यू बनाएंगे। NIA क्या कार्रवाई करे किसी को नहीं मालूम है। अगर हमारी पुलिस SOG करती, हो सकता है कि ये अभी तक और आगे बढ़ जाता है, चालान पेश होकर पता नहीं क्या होता। नंबर एक। नंबर तीसरी सीरियस बात है, ये जो पकड़े गए लोग हैं ये बीजेपी के लोग हैं। मुख्य बात ये है, ये जब घटना के 2-4 दिन पहले ये इनको पुलिस पकड़ के ले गई थी, कुछ झगड़ा हो गया इनके लैंडलॉर्ड से, हुआ ऐसा कुछ हुआ, तो बीजेपी नेताओं ने इनको छुड़ाया वहां पर थाने से। ये वो लोग हैं, उस वक्त ये बात जब पिक्चर में आई थी, सामने आई थी, तो ये डिफेंस में आ गए थे, ये बोल नहीं पाए थे, इसको इश्यू क्या बनाया। और इतनी ऐसी दुखद घटना थी, हमने जाके परिवार से मिले, चीफ सेक्रेटरी DG पुलिस मिले, उनको एक प्रकार से सांत्वना दी और उनको महसूस करवाया भाई सगा और क्या कर सकती है। बाकी पैकेज दिया हो तो छोड़ी हो तो अलग बात है। मुख्य बात है कि अब ये जो चुनाव हार रहे हैं, इनको हार सामने दिख रही है, विकास की बात नहीं कर रहे हैं लोग, हमारी स्कीमों की बात नहीं कर रहे, हमारे कानून पास किए उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हमने 7 गारंटी दी उसकी आलोचना नहीं कर पा रहे हैं, और खाली ये जानबूझ करके ये तनाव पैदा करना चाहते हैं, इनकी चाल है। और इस पर जनता इनको जवाब देगी, क्योंकि हमने इतने काम किए हैं, मंदिरों में काम हम लोगों ने किए हैं, गाय माता की सेवा करके हम लोग कर रहे हैं, 500 करोड़ रुपये खाली इन लोगों ने 2 सालों को, गायों का विभाग बनाया हमने बनाया, 2 सालों की सेवा करके हमने 3,000 करोड़ रुपये खर्च किए, आगे हमने नंदीशालाओं के लिए स्कीम बनाई है 1,56,00,000 रुपये की पंचायतों के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए, गोधन योजना हम लेके आ रहे हैं जिससे कि गायें जो है गली में नहीं फिरे। तो इनके बारे कहने कुछ है ही नहीं। जैसे इन्होंने बजरंग बली की बात की थी कर्नाटक में, और मूंगी खानी पड़ी मोदी जी को, वो बात तो यहाँ रहेगी, इतनी बौखलाहट में बोले। माहौल खराब हो सकता है चुनाव, विधानसभा चुनाव कुछ धंधे है इस प्रकार का, ये जो बयान जिसके दे रहे हैं, ये तो पहले मोदी जी फिर अमित शाह जी का नागौर में बोलना, अब योगी जी महाराज पधार रहे हैं जोधपुर के अंदर, सुना मैंने आज, आप सोच सकते हो कि अगर ये इस प्रकार के लोग भेज रहे हैं जिनका अच्छा एजेंडा सबको मालूम है, और इस बार इनका हिंदुत्व का एजेंडा चलने वाला नहीं है, इस बार हमारा विकास का एजेंडा चलेगा,